है ना, किस्तों पे बनना है तो चूड़िया उड़िया पहन के रेड लाइट पे खड़े हो जाओ, वहाँ पे खड़े होकर भीख मांगो, तालियां बजा के लगा। आपसे अच्छे तो वही लोग होते हैं, कम से कम किसी के चोरी करके किसी से मांग के तो नहीं खाते, चोरी करके डिफॉल्ट करके तो नहीं खाते। क्या शर्म नहीं आते थोड़ी बहुत आपको? ये कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? 12 तारीख को पेमेंट होती है, 13 तारीख हो गई आपकी, कोई पेमेंट नहीं, 11 तारीख को करा दूंगा, 10 तारीख को करा दूंगा, गोली पे गोली दिए जा रही हो, ताला समझा गया सर बैंक को। कौन बोल रहा है ऐसा? है कौन बोल रहा है ऐसा? कौन बोल रहा है ऐसा? मैं बोल रहा हूँ ऐसा, पागल बना रहे हो बैंक को आप 5 तारीख से। तो आप बोल रहे हो ना, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। तो फिर पैसा क्यों नहीं आ रहा आपका बैंक में? फिर क्यों नहीं आ रहा होगा, कुछ सोचो आप। सर घर का खर्चा चल रहा है ना आपका? नहीं चल रहा ना, दाल रोटी चल रही है ना आपके घर की, तो बस उतना ही चल पा रहा है। पैसा क्यों नहीं हो रहा सर? तो उतना ही चल पा रहा है ना मेरे भाई, उससे ज्यादा नहीं चल पा रहा है। भीख मांग के चला रहे हो क्या? मंदिर के बाहर खड़े होते हो क्या? भीख मांगते हो? राशन मिलता है? घर पे जाके बनता क्या खाना? बनता है घर के लिए तो हो जाता है, बाकी नहीं हो पा रहा है ना। तो वही तो कह रहा हूँ, भीख मांग के लाते हो क्या मंदिर से? अरे मैं कैसे भी ला रहा हूँ लेकिन घर का हो पा रहा है। बैंक के लिए पैसा नहीं आपके पास? बैंक का कपड़े ले आए हो गए लोन लेके? ये हैं बेबी बच्चों के कपड़े लाए हो गए इसी से शॉपिंग करवा के, है ना? जो भी हो लोन इसीलिए उठाया होगा, बाद में पैसा देने की बारी आई तो आपके पास पैसा नहीं है। कंगने बैठा हुए थे क्या सर? किस्तों पे निकाला था क्या आपको भी आपकी मदद में? नहीं नहीं, मेरे को आपके जैसा नसीब प्राप्त नहीं हुआ। थोड़ा सा 9 महीने रहे होंगे पेट में, तो किस्तों में निकले थे क्या सर? मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं बोला तो आपके जैसा नसीब नहीं है मेरा, पूरा ही आया था। मेरे घर का मैं कोई नहीं सकता आपका, क्योंकि आप वही मेरे लिए लेकर आपके मम्मी पापा ही बता रहे होंगे। 4 लाख निकल गई मेरी। कहाँ पे गई थी आपकी मदर? जो तो निकल गई आपकी। नहीं मैं बोल रहा हूँ, कहाँ पे गई आपकी मदर? ओ तुम्हारी माँ ने आपके बोल ले तेरे को जो बोलना बोल बोल ले। नहीं करानी मेरे को आपको। नहीं करानी या बच्चे को बेच के आओगे अपने? नहीं करानी ना, मैनेजर है तो वही सब। 5 तारीख बना रहे हो, आपको समझ आता है कि नहीं आता सर? इतनी देर से बोल रहा हूँ प्यार से, 5 तारीख से आपसे बात करते हुए आ रहा हूँ कि सर पेमेंट एक घंटे में करा रहा हूँ, 2 घंटे में, 11 तारीख को सर, 13 तारीख हो गई, तब होगी पेमेंट आपकी। RBL बैंक वालों ने पता नहीं किन की औलादों को पाल के रखा है इसे। सर RBL बैंक ने आप जैसे लीटर औलादों को पाल रखा है, भाई हमारे हम ब्याज देते हैं ना, आपकी जैसे लीटर उलाद है जिसको हम लोन दे रहे हैं, लोन ही नहीं देते। सही बात है, अब पता चल गया। डिफॉल्टर पहले पता होता कि डिफॉल्ट बंदा करेगा तो बैंक क्यों देता? तो अभी पता चल गया आपको? कल को अगर आपकी मदर या आपके फादर या आपके बच्चे को किसी की हॉस्पिटल में जरूरत पड़ेगी ना, तो पैसा कहाँ से लाओगे अगर 1 लाख की जरूरत पड़ गई? कहाँ से लाओगे पैसा सर? वो लाऊंगा यार, वो मैं कहीं से भी लाऊंगा। कहाँ से लाओगे? आप दोगे क्या मेरे को? नहीं मैं बोलता हूँ कहाँ से लाओगे पैसा? आप दोगे क्या मेरे को? आज की डेट में आपके पास 5,181 रुपए नहीं है, कल को आपका बच्चा अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो आप कहाँ से लाओगे? अरे तो वो लाऊंगा मैं, मुझे मालूम लाऊंगा, जहाँ से भी लाना है अभी तो आप बोल रहे हो कि किसी के अभी तो आप बोल रहे हो कि किसी को आप तो कह रहे हो कि किसी के पास चले जाओ वो दे देंगे आपको, और अभी आप खुद ही कह रहे हो कि रिलेटिव ऐसा कर देंगे। यही करेंगे क्या करेंगे? तो फिर आपको दिक्कत है ना, रिलेटिव क्या करते हैं? और रिलेटिव से आप मांग नहीं सकते, दोस्तों से आप मांग नहीं सकते, क्योंकि आपकी वैल्यू खराब है, सबको पता है आप कैसे हो। तो हो पैसा ले लोगे दोगे नहीं, बराबर है, क्यों देगा आपको पैसा? बराबर सर, पेमेंट करने वाला बंदा पैसा देने वाला बंदा इतना सुनता नहीं है, इतना आप सुन रहे हो, समझ गए सर? मेरा भी आज के टाइम पे लोन चल रहा था, मेरी सैलरी का 5 लाख मेरा जाता है EMI में, मैं सुनता नहीं, इतने टीचरों से बात करने भी कह रहा सर, मेरा मूड गंदा हो रहा है, आपको तो पता ही नहीं पड़ रहा है, ट्राई कर सकते हैं अभी कोरोना का, आपको तो कोई पता ही नहीं पड़ रहा सर, थोड़ी बहुत शर्म कर लो सर, पानी में डूब के मर जाओ सर, इतना कुछ मैंने बोल दिया फिर भी आपके मुंह से बस यही निकल रहा है हाँ ठीक है। आपकी जवान निकल रही सर, मुंह में दही जम गया आपके। तुम्हारे मुंह से तुम्हारे माँ बाप के संस्कार निकल रहे, मेरे मुंह से मेरे माँ बाप के निकल रहे।
निकल तो रहे आपके माँ बाप ने यही तो सिखाया था पैदा होते ही कि बैंकों से जाके चोरियां करना, चोरी करके अपनी बीबी को पालना, अपने बच्चों को खिलाना। निकल दीजिए घर से, घर तो रहो ना, कुछ तो, कुछ कुछ भी हो करते रहो ना। करते कि नहीं करते घर में हाउस वाइफ है वो मैं समझता नहीं कि आपको बताना चाहिए। अगर हाउस वाइफ है ना तो सर उनको जॉब पे भेजो और आप घर का काम करिए, क्योंकि आपके तो बच्ची है नहीं, आपकी बच्ची नहीं है काम करना। सर आप घर में काम करिए और अपनी वाइफ को भेजिए जॉब पे, ठीक है? आपकी बच्ची नहीं है सर, ठीक है? तो मम्मी पापा ने यही सिखाया कि भैया बैंक से पैसा ले लो, इनसे पैसा ले लो, उनसे पैसा ले लो, घर चलाओ बस, किस्तों पे पलना है हमें, है ना, किस्तों पे पलना है। सर चूड़िया उड़िया पहनिए, रेड लाइट पे खड़े हो जाओ, वहाँ पे खड़े होकर भीख मांगो, तालियां बजा के। आपसे अच्छे तो वही लोग होते हैं सर, कम से कम किसी के चोरी करके किसी पे मान के तो नहीं खाते, चोरी करके रिपोर्ट करके तो नहीं खाते।